प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के नए DFO दीपक सिंह ने चार्ज संभाल लिया है और उनका कहना है कि जंगल और जंगली जानवरों को बचाने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जंगलों का अवैध कटान और अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि सूचना मिलते ही आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई को अंजाम देगी। इस वक्त की बड़ी खबर जो हरिद्वार से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरिद्वार के नए DFO दीपक सिंह ने चार्ज संभाल लिया है और चार्ज संभालते ही उन्होंने जंगल और जंगली जानवरों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। उनकी अगर माने तो उनका कहना है कि जंगल में अवैध कटान और अवैध खनन को नहीं होने दिया जाएगा और जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि सूचना मिलते ही आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई को अंजाम देगी। इस बात के लिए बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के नए DFO दीपक सिंह ने चार्ज संभाल लिया है और उनका कहना है कि जंगल और जंगली जानवरों को बचाने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जंगलों का अवैध कटान और अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि सूचना मिलते ही आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई को अंजाम देगी। इस तरह की बड़ी खबर जो हरिद्वार से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरिद्वार के नए DFO दीपक सिंह ने चार्ज संभाल लिया है और चार्ज संभालते ही उन्होंने जंगल और जंगली जानवरों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। उनकी अगर माने तो उनका कहना है कि जंगल में अवैध कटान और अवैध खनन को नहीं होने दिया जाएगा और जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि सूचना मिलते ही आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई को अंजाम देगी। हो गए जिसकी वजह से जो है वन्य जीव बाहर आबादी में ज्यादा आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा संकट है। तो अब किस तरह जो है इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, खासतौर पर जब हमारे वन बचेंगे तभी वन्य जीव बाहर भी नहीं आएंगे, चारा अंदर ही मिलेगा, इसको लेकर आपको योजना। देखिए, यदि हरिद्वार वन प्रभाग की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में शायद ही कोई वन प्रभाग होगा जिसके ऊपर इतना बायोटिक का प्रेशर है। आप देखेंगे तमाम पॉपुलेशन, यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं, यहाँ पे लोकल जनता है, इन सब का काफ़ी दबाव है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, इस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम नमामि गंगे के अंदर प्लांटेशन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम तरीके का प्लांटेशन, चाहे वो कैंपा में हो, बहुउद्देशीय हो, करते रहते हैं। लेकिन प्लांटेशन तभी सक्सेस होगा जब हम उसको बायोटिक जो कंपोनेंट है उसको कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि जहाँ तक जो नए हमारे प्लांटेशन है उसको, उसके लिए हमारे प्लांटेशन वॉचर होते हैं, उसका उसको बैरिकेड करते हैं, बंद करके रखते हैं। लेकिन जो मैं अभी कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसको शॉर्ट टर्म में उसका कोई समाधान नहीं है। इसके लिए स्टेट लेवल पे कोई पॉलिसी बनना चाहिए कि जो हमारे वन डिग्रेड हो रहे हैं उसको क्या किया जा सकता है। तो क्या हरिद्वार में बनाएंगे आप इसको आगे प्रपोज करेंगे? जैसा मैंने बताया कि बायोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे नए प्लांटेशन हैं वो सुरक्षित रहें, और जहाँ तक लॉपिंग और इसकी शिकायतें आती हैं उस पर हम काफ़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि हमारा जो वन है डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। देखिए, मैंने बताया कि ये जो हमारा वन प्रभाग है अधिकतर जो क्षेत्र है पॉपुलेटेड है, तो मेरा जो ये प्रयास रहेगा कि पहला प्रयास यही रहेगा कि आम जनमानस को जो वाइल्ड लाइफ है उनसे नुकसान कम हो। यदि किसी तरीके का अनफॉर्चुनेटली नुकसान होता है तो उसका कंपनसेशन इत्यादि की प्रक्रिया में जल्दी लाई जाए। दूसरा जो ये रहेगा कि जैसा इन्होंने बताया कि डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, उसमें पातन, लॉपिंग इत्यादि हैं, तो उस पर भी हम कंट्रोल करेंगे। तीसरा है कि किसी तरीके का जो खनन इत्यादि में भी यदि कोई शिकायत मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है, बड़ी संख्या में जंगलों में आग, अब चूँकि इस दौरान कैसे रोकेंगे इनको, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आज के डेट में हमारे यदि वन प्रभाग की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो वनों को अग्नि से बचाना। इसके लिए तमाम रेंज स्तर पे टीमें तैयार हो चुकी हैं, सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा चुकी है, जितने फायर लाइन कटने थे उनको काट दिया गया है, रेगुलर बेसिस पे साफ़ सफाई की जा रही है। जहां तक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की बात है, हम चारों तरफ पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब कल भी एक फायर का सूचना प्राप्त हुआ था, तो अब जो है एक्शन मोड में मेरा वन प्रभाग का टीम आ चुका है,
अब उनका मेन काम है कि जहाँ भी आग की सूचना मिलती है वहाँ पर बुझाया जाए। उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्र आना चाहिए, बढ़ेगा पानी की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी वहाँ पड़ता आया है, उसको रोकने के लिए भी कुछ खास प्रयोग करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था मेरे रेंज ऑफिसर्स ने ये बात मेरे सामने रखी और इसी के बाद हमने सिंचाई विभाग से कॉन्टेक्ट किया कि आपके द्वारा जो भी नहर संचालित हैं उसमें कृपया किसी भी हालत में पानी का बहाव मेंटेन रखें ताकि मेरे जो हाथी और अन्य जानवर हैं वो वन क्षेत्र से बाहर ना जाएं। ये तो साहब आपके अर्बन क्षेत्रों में ना, देखिए हमारा जो हरिद्वार का यदि सॉयल प्रोफाइल देखेंगे तो ये वाटर रिटेनिंग सॉयल यहाँ पे बहुत कम है, तो जो कच्चे वाटर होल होते हैं उसमें पानी बहुत अधिक समय तक रुकना बहुत मुश्किल है और पक्के वाटर होल बनाने का सुझाव फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट नहीं किया जाता है। तो अधिकतर आप वाटर होल्स हैं जो कच्चे हैं उसमें पानी को रिटेन करना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि हमारे अधिकतर वाटर होल सूखे हुए हैं। पक्के जो वाटर होल्स हैं आपने वो भी सूखे पड़े हैं? हाँ, उसमें आपने अच्छी बात कही कि पक्के वाटर होल में भी पानी नहीं है और चूंकि आप देख सकते हैं कि गर्मी का समय है, यदि आपने पानी भर दिया तो इवेपोरेशन की वजह से पानी सूख जाएगा। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं ट्रैक्टर ट्रॉली से जिसमें पानी का टंकी होता है उसके माध्यम से जो भी हमारे पक्के वाटर होल्स हैं उसमें पानी का सप्लाई की जाए ताकि हमारे जानवर को पर्याप्त पानी का सुविधा रहे। सस्पेंड किया जा चुका है और सस्पेंशन जो आपको होता है एक प्रशासनिक कार्रवाई है जो हो चुका है और आप देखेंगे कि जैसे ही आप लोगों ने शिकायत किया कार्रवाई बहुत जल्दी की गई है, शो कॉज वगैरह भी नहीं दिया, तुरंत कार्रवाई की गई। तो ये जो है ये प्रक्रिया बनी रही, आगे भी ऐसे मामले आते हैं तो क्या है? आगे भी मैंने बताया ना कि जैसे आपने पिछली बार ही देखा तुरंत कार्रवाई की गई, उसी तरीके से आगे भी यदि शिकायत आती है तो प्रिलिमिनरी जांच के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। इतना पड़ता है तो हमारा मेन फोकस जो रहता है कि हम उन सारी चीज़ों को भी हैंडल करें। पिछली बार कुंभ में